अलविदा है। अलविदा में हाईवे से लगा ही हुआ है ये एग्जीबिशन सेंटर, जिसके थ्रू हो के आप जा सकते हैं शुएब अलैहिस्सलाम के केव्स के पास। ये एक छोटा सा एग्जीबिशन सेंटर है और ये नियोम ने यहाँ पे डिटेल्स लिख रखी है। और ये आप वहाँ जाएंगे तो उससे पहले द टॉम्स शुएब केव्स, वहाँ जाने से पहले ये एग्जीबिशन लगा हुआ है। आ जाए, ये रास्ता जा रहा है मेरे भाई, ये रास्ता जा रहा है मेदियन की तरफ। पक्के पे चलते हैं नवीन भाई, जैसा आप कहें। इन्होंने अभी बनाया पहले से। ये अलविदा है, अलविदा में ये शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती है पूरी, जो कि जिसकी हिस्ट्री मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में जाती है, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये छोटे छोटे यहाँ पे घर बने हुए थे। ये आप देखेंगे पहाड़ों के अंदर तराशे हुए घर हैं पीछे की तरफ। तो लोग पहले ऐसे ही पहाड़ियों में घर बना के रहा करते थे, और ये उसी वक्त का वाक़या है। और ये जो है पीछे अलविदा टाउन है, और उसी के साथ ही पहाड़ी है जहाँ पे ये शुएब अलैहिस्सलाम की कब्र रहा करती थी। तो ऐसे ये है, फिर पीछे की तरफ है ये, फिर इधर जो मकान है उसकी तरफ चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि ये क्या है। ये मकान थे, गिर गए। ये भी मकान है, देखा ऊपर जा कर के भी मकान है, ऊपर जा कर के। हाँ देखें लोग बैठे हैं। ये बड़े हैं, हाँ ये बड़े घर हैं। सोने का ये मकान हो गया, बेड का। हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, सोने का ये बेड हो गया, एक बेड ये हो गया, एक बेड ये हो गया। सही सही, थोड़ा सा इनका एक सहन टाइप का हो गया। हाँ इस तरह से मान लिया गया। तो सिर्फ सोने का इंतजाम हुआ करता था, सोने का। हाँ जी, कि जितने में इंसान सो जाए, सो जाए। बहुत सही। हाँ ये बच्चों के सोने के लिए छोटे, अच्छा छोटे होल्स हैं। हाँ ओके, क्या अभी छोटे मकान है, सिर्फ एक जैसे आदमी सिर्फ लेट सकता है ना इसमें। अच्छा, बस तो जैसे मान लिया उस वक्त के जो गरीब जोधा जो लोग होंगे ना, तो सोने के लिए इस्तेमाल किए होंगे। जो अमीर घर है, जो अमीर लोग हैं उनके पूरे बराबर में बड़े बड़े घर हैं। अच्छा, यहीं पे जैसे, हाँ जैसे अंदर में। तो ये मान लो हो सकता है सेवक वगैरह का हो, सेवक है या उनके जो हो सकता कौन होंगे, या मैं भी मानू जो गरीब। हाँ हाँ, देखे इधर भी लाइन से घर है, मकान आते हैं। अच्छा ओके, इस पर नक्काशी बनी हुई है। इनके सोने के सिस्टम जो थे अलग थे, जैसे ये बेड है उनके। अच्छा, ये बेड वाला सिस्टम है, केव की तरह नहीं है, पार्टीशन बने हुए हैं यहाँ पे। Exactly. ये देखें, ये जो है ना पूरा तराश करके, जैसे हम लोग ये नहीं कहते हैं, इससे छेनी हथौड़े से टाइम लेकर के पूरा ये काटा गया है। ये देखें इन्होंने जो ने इसको इस्तेमाल किया, कोई ऐसा नहीं, कोई पिलर नहीं, कुछ नहीं है। इंटरनल रोक को पहले पहचाना कि कौन सा रोक सही रहेगा, सही, फिर उसकी किस एंगल से कटिंग करनी है, वो सारी चीजें हैं। एग्जैक्टली, इन्होंने कटिंग करा इसको, अभी तो ये नहीं देखो, जैसे यहाँ पर है कि उन्होंने वो रोशन दान के लिए रखा था। अच्छा ओके, So, ये देखें, ये जैसे वो आते थे ना मिलने बैठने के लिए, ये बैठने के लिए जगह बने हुए, जैसे वो मिलने आ रहे हैं उससे आदमी के लिए, तो हर आदमी अंदर नहीं जा सकता। हाँ हाँ, उसको पहले यहाँ वेट कराना, कुछ करना ओपन में, इस तरह से या खैमे कुछ लगाते होंगे। राइट राइट,
एग्जैक्टली ये है पहाड़ के दरमियान। अच्छा ये बनाया बकायदा पानी जो उतारने के लिए समझ सकते हो पतलाने टाइप आपको जो कर रहे थे ना वो जैसे रोशनदान की तरह रोशनदानी जाए तो उस टाइप का रोशनदान बनाया उन्होंने। और ऐसे एक अंदर जाने के लिए सिर्फ एक टाइप का कमरा था जैसे कभी आप वो देखेंगे ना सबसे पहले जो नदी थे कौन से थे जिनका बेटा कुएं में डाल दिया था जी जी उनका भी एक ऐसे इतना ही बड़ा कमरा पहले यही इतने बड़े कमरे होते थे। लेकिन सबसे मेन बात ये देखिए कटिंग जो है पत्थर को ही इस्तेमाल किया है इन्होंने। और ये चीजें पहले तो चूज करना कि कौन सा पहाड़ सही रहेगा हमारे लिए एग्जैक्टली सोइल स्ट्रेंथ के हिसाब से घर बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं सस्टेनेबल है या नहीं है नहीं है एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात है इतने पुराने घर हो गए कई हजार साल अब तक चल रहे हैं। ये भी है कि ये एरिया जॉर्डन से काफ़ी नज़दीक है जॉर्डन से आप कहें तकरीबन 150 किलोमीटर पहले तो पेट्रा और अलबिदा और अलूला में एक सिमिलरिटी है उस ज़माने में जो ट्रेड हुआ करता था ये ट्रेड रूट हुआ करता था और ट्रेडर्स बेसिकली इस तरीके से मकान बना के और रहा करते थे तो ये सारा इंटरलिंक्ड है बेसिकली अलूला पेट्रा और अलबिदा तो ये सारे लिंक्ड हैं बेसिकली तो उसी दौर के वक्त के ये सारे हाउसेज हैं कंस्ट्रक्शन है जो कि हमने अभी देखा है। हाँ वो कुआं ऐसे है यूं पहाड़ों से काटा हुआ है वो कुआं अच्छा गहरा है खूब नीचे लेकिन एकदम सीधा वाला कुआं नहीं है। अच्छा नीचे जाके पैदल जाके पैदल नहीं है हाँ है तो निकालने वाला है ओके ओके लेकिन ऐसा नहीं है जैसे गुलाई में काटा हुआ है। समझ गया तो ये कुआं है मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का कुआं है और उस दौरान में जब मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे आए थे और शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ जो थी यहाँ पानी निकाल रही थी तो उन्होंने पूछा था कि आप किन के बच्चे हो तो वो शुएब अलैहिस्सलाम के पास इनको लेके गई तो ये वो एरिया और यहाँ पे एक बस्ती भी हुआ करती थी। अभी इसको बैरिकेड कर दिया है जैसा सुनने में आया है कि लोग यहाँ पे शायद बिद्दत वगैरह करते थे और यहाँ से फिर इस जगह से पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं आप जहाँ शुएब अलैहिस्सलाम की रहाइश थी जहाँ उनके लोग रहा करते थे वहाँ तक फिर पैदल ये लोग गए थे।